हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ई श्रम कार्ड को लेकर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है और साथ ही में जो है गरीब मजदूरों के खाते में सरकार की तरफ से 70,000 रुपये भी भेज दिए गए हैं। ये कौन से 70,000 रुपये आप सभी के खाते में भेजे गए हैं? ये जो 70,000 रुपये भेजे गए हैं, ये सभी के खाते में नहीं भेजे गए हैं, कुछ ही लोगों के खाते में भेजे गए हैं। किस चीज़ का ये 70,000 रुपये आप सभी को मिला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड को लेकर क्या अच्छी खबर है। दोनों अपडेट मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ई श्रम कार्ड पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहना है कि जिन भी श्रमिकों के खाते में ई श्रम कार्ड की पहली किस्त भेजी गई थी और उन श्रमिकों के खाते में ई श्रम कार्ड की दूसरी किस्त भी जल्द ही भेजी जाएगी। यहाँ पर डेट क्लियर नहीं होगी हुई है कि इस डेट को भेजा जाएगा, लेकिन इसी महीने में आप सभी को दूसरी किस्त भी आप सभी के खाते में मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन मजदूरों के खाते में जो है यहाँ पर 70,000 रुपये भेजे गए हैं। तो अगर जो है आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास पाए थे और आपकी पहली किस्त का पैसा जो 40,000 रुपये मिलता है वो आपको मिल चुका था, अगर आपकी दूसरी किस्त अभी तक बाकी थी तो वो रिलीज हो चुकी है, यानी सरकार की तरफ से आपके खाते में भेज दी गई है। आप चाहो तो उसे कल जा कर के बैंक में भी चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जो है अपने मोबाइल से ही चेक करना है। अगर जो है आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास बनाने के लिए पैसे मिले थे, उसकी पहली किस्त मिली थी जो 40,000 की मिलती है और दूसरी किस्त बाकी थी, तो वो समझ लीजिए आपको मिल चुकी है। वो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लोगों की यहाँ पर जो है पैसे रिलीज हुए हैं। तो चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर जो है सर्च बार में टाइप करना है RH, ठीक है, RH रिपोर्टिंग ग्रामीण लिख करके सर्च करोगे तो ये वेबसाइट सबसे फर्स्ट वाली ये जो आई है इसी को ही आपको ओपन करना है। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये होम का बटन है, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने ऐसा पेज मिलेगा, यहाँ पर सबसे नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर बेनिफिशरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना राज्य सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करिए। जो भी आपका राज्य है यहाँ पर जो है आप उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पर आओगे और यहाँ से जो है आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला है उस पर क्लिक करके आप इसको जो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको अपना विकास खंड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका विकास खंड है उस पर क्लिक करिए। इस तरीके से फटाफट से सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पर नेट सर्वर जैसा आपका रहेगा वैसे काम करेगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका गांव है इस तरीके से सेलेक्ट करिए। एंड नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर जो है नीचे की साइड में आइए और यहाँ पर 21/22 इसको सेलेक्ट कीजिए। और नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर जो है फिर से क्लिक करिए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये जो फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है इस पर ही क्लिक करना होगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से रिफ्रेश होगा और नीचे की साइड में आप देखोगे अब आपको जो है ये वाला कैप्चा यहाँ पर भरना है। अगर ये कैप्चा प्लस दिया है तो जोड़ के भरना है, माइनस दिया है तो घटा करके भरना है, लेकिन जो भी है उसको सही सही भरना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसको भर देते हैं और यहाँ पर होगा 88, ठीक है, 88 होगा। और यहाँ पर जो है हम 88 भरने के बाद सबमिट करेंगे, आपका भी जो होगा उसे भर दीजिए। और इसके बाद जो है ये फिर से रिफ्रेश होगा। थोड़ा सा नेट सर्वर मेरा स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा लो काम कर रहा है, लेकिन ये जल्द ही काम करना स्टार्ट कर देता है। नीचे की साइड में आओगे तो देखोगे यहाँ पर मेरे गांव की पूरी कंप्लीट डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर जो है जिन लोगों के पास ये पैसे भेजे गए हैं उन सभी के यहाँ पर जो है लिस्ट में नाम दिखाया जा रहा है। तो देख सकते हो ये अभी हाल ही में 2022 में ये सारे के सारे पैसे भेजे गए हैं। और ऊपर की साइड में आप देख सकते हो तो ये डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप भी अपने गांव की लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपकी गांव की लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त यानी 70,000 रुपये की किस्त जो है मिल चुकी है और आप जो है कल जाकर के अपने बैंक अकाउंट में भी चेक करवा सकते हो कि पैसा आया है कि नहीं।